अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक लद्दाख, दूसरा कि मास्क भी पहनना है। एक तो वैसे ही ऑक्सीजन कम है, ऊपर से यू हैव टू वेयर मास्क एज वेल। तो थिंक बिफोर यू प्लान। वैसे तो कोई इशू नहीं है अभी तक, और मैं हूँ कहाँ पे वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है स्तूपा, शांति स्तूपा। व्यू बहुत अमेजिंग है। अच्छा ये देखिए, और ये है लद्दाख पैलेस जहाँ पे हम आए हैं। भाई कसम से नींद पूरी करके उसके बाद घूमना वगैरह शुरू करना। ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लंग्स कुछ अलग होने होते हैं। ये है, और हाँ ये जगह जो है ये 5-6 बजे तक बंद हो जाती है, 6 बजे तक। तो आपको पहले आना होगा। और ये है मेन ले पैलेस का इंटीरियर जहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। टूरिस्ट है एंशिएंट प्लेस ले, ये 1630 में ये कंप्लीट हुआ था। ओके शाम को देर तक बैठेगा मैडम जी, मार्केट पूरा बंद होने तक बैठेगा। नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि देखना होगा इसलिए। ओल्ड तिब्बतन दूजी मार्केट अपोजिट टैक्सी स्टैंड। ओके तो अभी मैं हूँ यहाँ पे, फर्स्ट डे है। दो तीन जगह एक्सप्लोर करी थी, कोई बर्डिंग नहीं करी, नॉर्मल व्लॉग है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। तो बाकी मार्केट में अंदर है, बंदे हैं मेरे साथ, वो अंदर गए हुए हैं, तो देखते हैं और क्या क्या है, पर मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। गाइस वेलकम टू द नेचुरल एंगल, माय नेम इज हितेश एंड आज मैं हूँ लद्दाख के रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट में। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। अभी बस हम जा रहे हैं क्विक ब्रेकफास्ट के लिए, देन वी लीव फॉर खारदुंगला। खारदुंगला जाना है, उसके बाद वहाँ से पैंगोंग नहीं, नुब्रा वैली जाना है। और बाकी जो भी व्लॉग होगा वो रास्ते में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता। बर्डिंग से रिलेटेड नहीं होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, मेनली इट्स लैंडस्केप एंड ट्रैवल व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड। और फाइनली मैं यहाँ, बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, ऑक्सीजन की कमी ने मेरी वो हालत कर दी थी। तो बस क्या बताऊँ।
कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। आप लोग व्यू एंजॉय करिए और आगे की वीडियो कंटिन्यू करिए। काफी भीड़ है, काफी ज्यादा, ये देख बहुत लोग हैं। अपनी गाड़ी की बात है। और ऑक्सीजन लेवल काफी लो है यहाँ पे, मास्क ऐसे रखना पड़ रहा है, जरूरी है। इसमें मैं तो पहले डिसाइड कर लिया था ये जो लोग ऊपर जा जाए भाई, अपन ने तो नहीं जाना, साथ है तो है, जब नहीं जाना है, नहीं शरीर साथ देगा तो क्या फायदा आगे का ट्रिप खराब करने के लिए। चलो यहाँ थोड़ा सा टाइम निकाले, थोड़ा सा देखते हैं, निकलेंगे आगे वापस लुब्रा के। गाइस मैं हूं अभी बिस्किट मॉनेस्ट्री में, जो कि आपकी यही लेह लद्दाख साइड ही पड़ती है। लोकेशन अच्छी है नो डाउट, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं यहाँ की, पर गर्मी मतलब ये भी पहना हुआ है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन आप लीनियंटली भी नहीं ले सकते, मतलब वेदर समझ नहीं आ रहा है अभी कैसा है कैसा नहीं। बाकी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ये देखिए लोकेशन नो डाउट बहुत अच्छी है। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके देन विल गो फॉर लंच एंड देन वहाँ से जाएंगे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में सनसेट कैप्चर करने का प्लान है, बट देखते हैं कैसा होता है। सो मॉर्निंग में हम निकले थे लेह से अराउंड 9 or 10 o'clock, मेरे साथ हैं अभी अजय भैया। हम लोग ऐसे ही एक फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू एक ग्रुप में आए हैं फॉर दिस लेह टूर, 5-6 दिन का है अपना, 14th को एंड होगा, आज तो है 10th, अभी तो बहुत टाइम है, तो उसके लिए अभी हम कल जाएंगे पेंगोंग वगैरह जाएंगे, देन कुछ और है ट्रैक्स वगैरह वहाँ भी जाने का प्रोग्राम है, बट फिलहाल हम आए हैं नुब्रा वैली में सनसेट कैप्चर करने के लिए। और ये भीड़ तो बहुत है, हर हिल स्टेशन का यही हाल हो चुका है, हर जगह भीड़ होती जा रही है, बट हाँ व्यू बहुत सुंदर है। ये देखिए नुब्रा वैली के व्यू का तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फेमस है कैमल राइड्स वगैरह बाकी चीज़ों के लिए। वो देखिए सामने कैमल राइड भी हो रही है। वैसे हम लोग अभी कैमल राइड के लिए ही जा रहे हैं। हाँ कैमल राइड हम 5 लोग आए हैं, जो 6th है वो नहीं है बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो 5 में से देखते हैं कौन कौन कैमल राइड करेगा कौन नहीं, मैं तो नहीं करूँगा बिकॉज आई विल मेक वीडियोज एंड ऑल। बाकी अभी देखते हैं यहाँ की लोकेशन, सनसेट क्या होता है क्या नहीं होता, उससे रिलेटेड जो भी फोटो वीडियोज हैं वो आई विल मेक एंड शेयर।
गाड़ी से निकल के वीडियो बनानी है कि गाड़ी आगे जाएगी नहीं लोड की वजह से। मेरा कितना ही वेट है यार, जाने की हालत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा सब।